शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ। इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ, 9741-4513 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, यूजीसी नेट आदि के उत्कृष्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में 100% योगदान करेगा। आप एक बार उसका अवलोकन करके तो देखिए, आपकी सफलता 100% होगी। ये मैं पब्लिक तौर पे बोल रहा हूं, तो आप उसको प्राप्त करिए और पढ़ाई अपनी सुनिश्चित करिए। एलटी ग्रेड का विज्ञापन बहुत ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। एलटी ग्रेड का आपका जो विज्ञापन है वो 26 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। पद कितने हैं? पद आपके होंगे 12,994, ठीक है। ये आपके लिए पद आएंगे और विज्ञापन आपका 26 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। 26 को भी आ सकता है, 27 को भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है, मतलब कभी भी आ सकता है। 26 के बाद कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। सूचना मिल चुकी है। और सबसे बड़ी चीज ये, इस बार एलटी ग्रेड में आपको विभिन्न बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। वो बदलाव है आपके संगीत विषय के लिए, विद्यार्थियों की बीएड से छूट के लिए, सामाजिक विज्ञान में जो है समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र का नया खंड देखने के लिए मिल सकता है आपको, और कला में प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। और किसी भी विषय में आपको 900 से 1000 पद, किसी किसी विषयों में आपको 1400 पद तक देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, ये अवसर अंतिम अवसर है। वजह यही है कि जब आप तैयारी करेंगे तो आपको फरवरी में इसका पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। फरवरी में आपको पेपर देना पड़ेगा और अप्रैल तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विज्ञापन बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद आ रहा है। तो यह विज्ञापन आपके लिए अंतिम अवसर है, ये विज्ञापन आपके लिए अंतिम स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और जो है अपनी तैयारियों को सुदृढ़ बनाइए, क्योंकि जो एलटी ग्रेड का पेपर होता है वो पेपर आपके जीआईसी प्रवक्ता लेवल का होता है। जिस तरीके से आपने जीआईसी प्रवक्ता का पेपर दिया और जो है मतलब उसमें आपने फेस किया, तो आपको खुद ही समझ में आया होगा कि वास्तव में लोक सेवा आयोग कैसा पेपर बनाता है। 2018 का पैटर्न उठा करके देख लीजिए आप, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि किस तरीके के पेपर सेट होते हैं। चाहे जीएस की बात कर लीजिए, चाहे सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, कोशिश ये करिए कि आप 110 प्लस करके आ पाए। अगर आप 110 प्लस करके आ पाएंगे तो भ्रष्टाचारी भले ही भ्रष्टाचार किए रहेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन से रोक नहीं पाएंगे वो, ठीक है ना। तो आप लोक सेवा आयोग में तो इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग का जो पेपर होता है उस पर भरोसा किया जा सकता है। और तैयारियां आपको बेहतर करनी है, क्योंकि ये अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा, ये अवसर अंतिम अवसर होगा। बहुत मेहनत के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद ये विज्ञापन जारी हो रहा है और उसमें जो संशोधन हो रहा है ये हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर के रूप में सामने आएगा। और बात मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपसे, 25,000 कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन आपका दिसंबर के पहले सप्ताह में आना सुनिश्चित हो गया है। जो सिपाही भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यूपीएसआई की एक नई वैकेंसी आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगी। और पदों की संख्या के बारे में जो जानकारी मिल रही है, लगभग 7800 पद रहेंगे यूपीएसआई में। और टीजीटी पीजीटी के लिए जो नई सूचना प्राप्त हो रही है, अभी आज भी मीटिंग हुई थी, आज अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं थे, लेकिन कल भी मीटिंग है। अब ये तब तक मतलब इनकी मीटिंग जारी रहेगी जब तक ये विज्ञापन नहीं दे देते। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डंडा का फंडा है कि इनको विज्ञापन तो देना ही पड़ेगा, और वो भी तदर्थों के पूरे पदों पर विज्ञापन देना पड़ेगा। तदर्थों को कान पकड़ के बाहर करेंगे, क्यों? क्योंकि तदर्थ जो है 30 अंक का वेटेज ले, कोई दिक्कत नहीं। आइए कंपटीशन करते हैं, आइए मैदान में आप 30 अंक का वेटेज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ले लीजिए 30 अंक का वेटेज, हम मारेंगे 6 क्वेश्चन में गायब हो जाएगा आपका वेटेज पेटेज, कुछ नहीं मायने रखता है। लेकिन आपके समस्त पदों पर विज्ञापन आना चाहिए और आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो 21 का मैटर सलट गया, कोर्ट में जो है मतलब हलफनामा भी लग गया और जो है मतलब सारा मैटर सुलट गया, हम चुपचाप ऐसे दुबके बैठे रहेंगे और हमारा काम बन गया, ना 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 ना, विज्ञापन तो आएगा और आपके समस्त पदों पर विज्ञापन आएगा, समस्त पदों पर विज्ञापन लेकर के रहेंगे और आपको विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। यहां से नहीं जारी करोगे, सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे, विज्ञापन तो आएगा, लेकिन उस विज्ञापन के लिए आप कितने तैयार हो यह मायने रखता है। उस विज्ञापन के लिए आप कितने अपने आप को मैच्योर कर चुके हो, कितने मेंटली प्रिपेयर हो, कितने जो है स्पिरिचुअली प्रिपेयर हो, कितने आप सोशल प्रिपेयर हो, कितने आप जो है फिजिकली मेंटेन हो, यह मायने रखता है। क्योंकि ये पेपर आपके लिए अंतिम पेपर होगा, इसके बाद आपको वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो आप ऐसी तैयारी करिए कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। और आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से यूपी टेट के बाद एक सुपर टेट देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो सुपर टेट इसकी सूचना आपको मिल गई होगी। बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने इसका जो है आर्टिकल छापा और इसकी खबर छापी है ना, तो उनको भी सूचना प्राप्त हुई थी, इसीलिए तो हमने आपको जो है सचिवालय की सूचना, कार्मिक विभाग की सूचना बता दी थी। सारी चीजें स्पष्ट है, आपके सम्मुख 3-4 बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, आप कितने मेच्योर हो, कितने प्रिपेयर हो, कितने जो है तैयार हो अपने भविष्य के लिए, अपनी सफलता के लिए, यह मायने रखता है। हम ऐसे ही आपसे बार बार ये नहीं कहते हैं कि आप एक बार जो है मतलब तैयारियों में लग जाइए। आप अगर विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। विज्ञापन तो आपका आएगा ही, लेकिन आपको तैयारी करने के लिए केवल 28 दिन 32 दिन का टाइम मिलेगा। आप कितना पढ़ लोगे उसमें? अगर आपको सचमुच तैयारी करनी है और अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है, 2021 की असफलता को आपको धुलना है, वो कलंक धुलना है, वो पाप धुलना है, तो आपको अभी से ही तैयारियों में लगना पड़ेगा। नहीं तैयारी करेंगे तो फिर वही अगर मगर की स्थिति में रहेंगे, 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन 80-85 क्वेश्चन करके आएंगे, फिर वही बार बार पूछेंगे सर मेरा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। फिर आप ये पूछेंगे सर वेटिंग में 73वां नंबर है, वेटिंग में 200वां नंबर है, वेटिंग में 160वां नंबर है, हो जाएगा कि नहीं। इस अगर मगर की स्थिति से बाहर कब निकलोगे मेरे भाई? बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिन भी विद्यार्थियों ने 120 प्लस 115 प्लस 121 प्लस ये सब स्कोर करके आए हैं, वो विद्यार्थी 2-3 महीनों की और जो है 28-15 दिन की तैयारी करके नहीं करी है। उन विद्यार्थियों की तैयारी 2-3 साल की तैयारी थी, 6 महीने की तैयारी थी। विज्ञापन नहीं आया था फिर भी कंटिन्यू पढ़ रहे थे, आ गया विज्ञापन, आ गया एग्जाम डेट, मार के तड़ाक से चले आए, फटाफट गए, अपना नाम देख करके मगन है, विद्यालय में ज्वाइन कर लिए, नौकरी पा गए। तो नौकरी तभी मिल सकती है ना जब आपकी तन्मयता होगी उसके प्रति। जब आपकी तन्मयता है नहीं, अभी विज्ञापन नहीं आया, विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन की सूचना तो मैं रोज दे रहा हूं आपको और आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, वो एफर्ट आपको दिखता भी है, वो एफर्ट आपको दिखता भी है, वो सारी चीजें आपके सम्मुख आती भी है, तो आप विज्ञापन की चिंता क्यों कर रहे हो? विज्ञापन तो आएगा ही। ये पेपर की कटिंग व्हाट्सएप पे भेजने से या कोई भी चीजें करने से ये सारे काम नहीं चलने, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटेड करना चाहते हैं, निराशावादी वातावरण में लेके जाना चाहते हैं। इससे नुकसान आपका है, इस नुकसान से बचिए, स्वयं को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और चुपचाप तैयारियों में लग जाइए, इसी में आपकी भलाई है। अगर पढ़ना है सार्थक तरीके से पढ़िए, अगर नौकरी पानी है तो उसके लिए मेहनत करिए, बिना मेहनत के आपको नौकरी नहीं मिलेगी। विज्ञापन आ जाएगा जो है 25 दिन के अंदर पेपर करा लेंगे, क्या कर लेंगे आप? कितना क्वेश्चन करके आ जाएंगे? आज अगर एलटी ग्रेड का पेपर हो जाए तो आप कितना क्वेश्चन करके आ सकते हो? अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख करके पूछना इस चीज को, आपको आपकी अंतरात्मा स्वयं जवाब दे देगी। आज अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाए तो आप कितना क्वेश्चन करके आते हो? दिल पे हाथ रख करके पूछना, आपकी अंतरात्मा स्वयं इस चीज का जवाब देगी। मेरे भाई मेरे बहनों, सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, विज्ञापन के लिए हम लोग स्वयं प्रयत्नशील हैं, आप लोग विज्ञापन की चिंता छोड़कर चुपचाप तैयारियों में लग जाइए, पढ़ाई करिए, शुरू हो जाइए। तन समर्पित मन समर्पित जीवन का हर क्षण समर्पित, जो होता है वो होने दो, ये कायरतापूर्ण कथन है, जो हम चाहेंगे वही होगा, इन्हीं शब्दों में जीवन है, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी जो अपडेट आती रहेगी फटाफट आपको अपडेट मिलती रहेगी। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और जो है अगर आपको स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह चाहिए तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से लेकर के देखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी निश्चित। किसी भी विषय के लिए मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस चीज का। धन्यवाद, शुभ रात्रि।